लो जी, अजय देवगन साहब की बारी अब आई है। पहले खिलाड़ी कुमार की फिल्म का सेट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अजय देवगन। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये पैंडेमिक के चक्कर में बहुत से निर्माता निर्देशकों को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिनमें से एक है मैदान के निर्माता। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो मैदान वो फिल्म है जिसमें कि अजय देवगन साहब एक फुटबॉल कोच के रूप में नजर आएंगे। अजय देवगन साहब ने दोस्तों जो है इसकी शूटिंग भी कंप्लीट कर दी थी, लगभग इसका एक स्केड्यूल शूट हो चुका था, दूसरा चल रहा था, और प्लस मात्र 30 दिनों की शूटिंग बची हुई थी। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ कि अजय देवगन साहब की इस फिल्म का सेट माय नगरी मुंबई में लगा था, जहाँ पे 16 एकड़ के ग्राउंड में एक बड़ा फुटबॉल सेट लगाया गया था, फुटबॉल स्टेडियम का सेट लगाया गया था दोस्तों, और यहाँ पर ही जम के शूटिंग होने वाली थी। बट अब उस प्रॉपर सेटअप को तोड़ा जा चुका है, जैसा कि दोस्तों अक्षय कुमार साहब की फिल्म यानी कि पृथ्वीराज के सेट के साथ भी हुआ है कि उसे भी तोड़ा जा चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ मॉनसून, और वो बहुत ज्यादा हैक्टिक है, उसे उस पर खर्चा बहुत है क्योंकि उसको मेंटेन करके रखना है। ऐसे में दोस्तों यहां पर मैदान की अगर मैं बात करूं तो 5 से 50 करोड़ तक की लागत आ सकती है इसको सही से मेंटेन करने के चक्कर में, जो कि निर्माताओं को बहुत ज्यादा महंगा है। तो ऐसे में सेट को डिमोलिश किया जा रहा है, और आपको बताना चाहता हूं कि सेट को एक बार फिर से अक्टूबर के नियर अबाउट जो है, सितंबर अक्टूबर के नियर अबाउट जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी तब दोबारा से बना दिया जाएगा और नवंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों यहां पे इंटरनल सोर्सेस की तरफ से ये बात पता चली है कि लगभग 500 लोगों का क्रू है जो कि शूट करने वाला है उसे, और यहां तक कि ये भी बात चल रही थी कि बाहर ले जाके शूट किया जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मुंबई में ही सेट बनाया गया, जिसकी वजह से जो है अब निर्माता निर्देशकों को इस तरीके का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेट को इसलिए भी डिमोनिश किया गया दोस्तों क्योंकि वो तो एक तो महंगा इसको कॉस्टिंग हो रही है ये भी, प्लस माय नगरी मुंबई जो है मुंबई में मॉनसून शुरू होने वाले हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। सो या व्हाट इज योर रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, चलता हूं मैं। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।